हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है? नई सीरीज़ आती है, हिंदी में आती है तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। तो न्यू बैंडिट्स नाम की एक सीरीज़ आई है, केंगाको नोवो, होपफुली आई एम प्रनाउंसिंग इट राइट। ये ब्राज़ीलियन सीरीज़ है, काफ़ी आउटस्कर्ट्स ऑफ ब्राज़ील के शूट करी गई है, काफ़ी रगड़ रॉ लगती है, बैंडिट्स के बारे के अंदर है। क्या ये इंटरेस्टिंग है कि नहीं है, क्या आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए? लंबे लंबे एपिसोड हैं, 8 एपिसोड है, लगभग लगभग 50-50 मिनट के एपिसोड हैं। और उबाल्डो, जो आप शक्ल देख रहे हैं इस आदमी की, इसकी कहानी को फॉलो करती है। ये कैसे एक नॉर्मल इंसान जो कि सादगी से एक नौकरी कर रहा है, अचानक से उसके फादर जो होते हैं वो किसी दुविधा में आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये सोचता है कि मैं अपने होम टाउन जाता हूँ और वहाँ से कुछ पैसे लेके आता हूँ। और वहाँ जाके पता चलता है कि काफ़ी कुछ उसकी फैमिली हिस्ट्री है अलग तरीके की, जहाँ पर दो बहनें भी मिलती हैं इसको, जो देख के बहुत ज़्यादा प्लेजेंटली सरप्राइज नहीं होती हैं, एक होती है एक ज़्यादा नहीं होती है। और वहाँ से जो इसकी कहानी ट्विस्ट एंड टर्न लेती है, वो एक ऑलमोस्ट क्रिमिनल पाथ के ऊपर चली जाती है। अब इसमें दो एक्सट्रीम दिखाए गए हैं कि कैसे एक इंसान अपनी जो डेस्टिनी की वजह से अपनी फैमिली हिस्ट्री के अंदर घुलता चला जाता है, और फिर ये जो होम टाउन है वहाँ पर ये बैंडिट्स बने क्यों हैं, एक्चुअली में ये दो आस्पेक्ट है, और फिर बैंडिट्स किस तरीके से लूटमार करते हैं ये तीसरा आस्पेक्ट है, और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो एक अलग से आस्पेक्ट है। तो ये सारे आस्पेक्ट को बना के ये मूवी, ये सीरीज़ बनती है। क्या ये आपको देखनी चाहिए क्या नहीं देखनी चाहिए? आई थिंक यहाँ पर जिस तरीके के यहाँ पर मुद्दे दिखाए गए हैं, पहले तो वो आपको एज एन इंडियन ऑडियंस भी बहुत हद तक थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कर जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई मुद्दा यहाँ पर नहीं दिखाया जाएगा जो ऐसा लगे कि हिंदुस्तान के अंदर नहीं होता है। ठीक है, सस्पेंस के नाम पर कुछ ज़्यादा है नहीं, थ्रिल के नाम पर ज़्यादा कुछ है नहीं। जिनको ऐसा लग रहा है कि पोस्टर के अंदर तो इतनी बंदूकें शंदूकें और ये सब चीज़ें चल रही हैं, बांध के इसको लेके जा रहे हैं पता नहीं कहाँ, बट ऐसा है नहीं। बहुत ही स्लो तरीके से ये सीरीज़ चलती है, इट इज़ मोर डायलॉग ड्रिवन देन एक्शन ड्रिवन। और जो ग्रोथ ऑफ कैरेक्टर्स देखनी चाहिए युबाल्डो को, वो मेरे लिए थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट रही। एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट जब वो दूसरी साइड पे चला जाता है, वो हाँ ना के चक्कर में अचानक से हो जाता है, उसकी रीजनिंग कोई बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं दी गई है। और दूसरा, जो बिहेवियर ऑफ जो दोनों इसकी बहनें हैं वो थोड़ा एक्सट्रीम है, एक थोड़ी खुश है और एक थोड़ी एंगर के अंदर है। जो एंगर है वो अनएक्सप्लेन्ड है, और क्यों इसको अज्यूम किया जाता है कि ये डेड है, ये सब चीज़ें तो आप इसमें फिगर आउट करोगे, बट उस सेंस में काफ़ी ज़्यादा लेयर्ड है। ओवरऑल बेसिस पे जो कलर टोनैलिटी वगैरह रखी गई है वो थोड़ी सी ठीक ठाक है, आपको ऐसा लगेगा कि शायद थोड़ा सा सिनेमैटिकली ये अच्छी बनाई गई है, बट लार्जली जब आप देखोगे इसका कंटेंट क्या है तो इतना वेफर थिन है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये मूवी क्यों नहीं थी, ये वाई इज इट अ सीरीज। तो मेरी समझ के हिसाब से एक ऐसे 7-8 घंटे खराब करने ऐसी सीरीज के ऊपर जो खत्म भी नहीं हुई है, क्योंकि ये फिर एक अनएक्सप्लेन्ड तरीके से एंड होती है एपिसोड 8 के ऊपर, तो ज्यादा मजा आया नहीं। मैं चाहता था कि इन तीन कैरेक्टर्स, जो इसकी दो बहनें ये और जो डायनेमिक्स है इसके फादर के साथ, उसके अलावा और कई कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हों जो स्टोरी को आगे लेके चले जाएं। एक हद तक बोरियत हो जाती है चार ही जनों को बार बार सुनते 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 सुनते। और जो मुद्दा रखा गया है, जैसे मैंने बताया कि क्यों ये बैंडिट्स बनते हैं, वो कुछ एक्शन पॉइंट से आपको समझाया जा सकता था, हालांकि अटेम्प्ट रहता है ऐसी, जब आप एपिसोड 1 देखते हो तो आगे पीछे होती है स्टोरी, थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट में भी दिखाया जाता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि एक रिपीटेशन हो गया, मैं थोड़ा सा बोर हो रहा हूँ, मेरा जो अटेंशन है बेसिकली, जैसे कहते हैं टिपिकली लू ब्रेक, चलो ठीक है कुछ मैं इधर उधर करने चला जाता हूँ, आप थोड़ा थोड़ा स्किप करने लग जाओगे इसको, जैसे मैंने भी किया कि बोरियत हो रही है, क्या है ये, क्यों है। ठीक है, यूजली ब्राज़ीलियन जो सीरीज़ होती हैं वो थोड़ी सी स्लो होती हैं, जैसे कि डॉम वगैरह थी, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसा टर्न आता रहता है जो आपको एक एपिसोड से दूसरे एपिसोड को लीड इन करता है, और वहाँ पर यूजली एक या दो या तीन कैरेक्टर के ऊपर सारी चीज़ें स्थित नहीं होती हैं, आसपास किरदार जुड़ते रहते हैं, जो इसकी डाउनसाइड है कि और जो प्लॉट्स हैं वो जुड़ते नहीं हैं। कई बार सब प्लॉट्स कहानी को तितर बितर कर देते हैं, और कई बार वो जोड़ते हैं ताकि मेन प्रोटैगनिस्ट की कहानी आगे जा पाए। यहाँ पर आलतू फालतू की गिरी चीज़ें होती रहती हैं, मज़ा आया नहीं, थ्रिल आया नहीं, एक्शन के नाम पे कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं कि चलो एक्शन लवर्स को ही पसंद आ जाएगा। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसका ले रहेगा 5/10, अजीब सी है, थोड़ा बोर ही करती है ये। बाय बाय।